वन मंत्री हरक सिंह रावत इन दिनों लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत अपने पुत्र वधु अनुकृति गोसाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। दरअसल हरक सिंह रावत कई बार अनुकृति के लिए लैंसडाउन से टिकट की पैरवी भी कर चुके हैं। जिस तरह से हरक सिंह रावत इन दिनों लैंसडाउन में सक्रिय है, उसके बाद इस सीट से मौजूदा विधायक दिलीप रावत की भी नाराजगी बढ़ रही है। दिलीप रावत पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी सीट पर गिद्ध दृष्टि है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन किया। हरक सिंह रावत का कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने से 5 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। मेडिकल कॉलेज का निर्माण करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसके कैंपस में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। अगर सरकार ने आज 25 करोड़ रुपया शासनादेश जारी करके स्वीकृत कर दिया है, तो एक तरह से इस मेडिकल कॉलेज को प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मिल गई। अब तक जो पिछली सरकार को जो जियो था उसमें केवल बाउंड्री के लिए था, मेडिकल कॉलेज के लिए 1 रुपया। अगर उस 2 ही करोड़ रुपए होता और ये होता कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए वित्तीय स्वीकृति दी जा रही है और टोकन मनी के रूप में 2 करोड़ दिया जाता, तो हमें दिक्कत नहीं आती। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की खनन नीति पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही कह रही है कि सरकार के ऊपर खनन के मुद्दे पर 3 महीने में सबसे ज्यादा सवाल उठे। बिल्कुल पुख्ता तौर पर बिल्कुल अंधाधुंध खनन हो रहा है। और कल मुझको एक बड़ी दिलचस्प बात लालकुआ में लोगों ने बताई कि 5% सीधे ऊपर जा रहा है, 5 रुपया प्रति क्विंटल। अब जब ये सीधे ऊपर पता नहीं कहाँ है, और सारे जितने लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ये 5 रुपया जो है सीधे ऊपर जा रहा है। वो सीधा कौन है हमें नहीं पता है, वो देहरादून में है या सीधा दिल्ली में है, ये खोज का विषय है। चुनावी मौसम में नेताओं के दल बदल की चर्चाएं जोरों पर हैं और इस पर कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट का बड़ा बयान सामने आया है। हीरा सिंह ने कहा कि दल बदलू नेताओं को पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को देखकर दल बदल करते हैं। अगर पार्टी लीडरशिप स्ट्रिक्टली कदम उठाए तो नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो अस्थिरता पैदा करते हैं, जो खरीद फरोख्त करते हैं, जो पैसे पर बिकते हैं, नीलाम होते हैं, उन लोगों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बड़ा स्पष्ट मत मेरा है कि उनके बिना कांग्रेस चले क्या। कौन सा ऐसा बहादुर आदमी जिसके पीछे पूरे उत्तराखंड की जनता पीछे पागल हो रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। सब स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि लूट खसोट के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। और ये अगर ऐसा करते हैं तो हमारे स्टेट के या सेंटर के लीडरशिप की कमजोरी मानूं। अगर इनसे ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा परेशान उनको देते हैं, तो इन लोगों ने जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया उनको तो निश्चित सबक मिलना चाहिए।